बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम स्प्रे का इस्तेमाल करें या फिर व्याग्रा का इस्तेमाल करें, दोनों में से बेस्ट क्या है? इंस्टेंट अगर मुझे रिजल्ट चाहिए, कई लोग ऐसे हैं जो कि मेडिसिन में भी ले रहे हैं या फिर कभी कुछ नहीं किया लेकिन आज बेटर करना चाहते हैं, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, मेडिसिन और स्प्रे या दोनों, किस चीज़ का इस्तेमाल करें? हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ, कुछ के काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बात करेगी कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, दोनों, सिर्फ स्प्रे, सिर्फ टैबलेट, किसका साइड इफेक्ट कम है, कौन ऐसा है जो मुझे मैक्सिमम प्लेजर देगा और मे बी काफ़ी समय तक मेरी बेड पे रहने पे मदद करेगा। वीडियो को पूरा देखना है, मुझे पता है आप देखने वाले हैं। आप नहीं देख रहे तो ये जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम मैं बात कर रही थी कि इमरजेंसी में अगर आप चाहें कि मेरा टाइम बढ़े या मेरा इरेक्शन बढ़ जाए या मैं मैक्सिमम प्लेजर तक पहुंचूं, जबकि आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा शायद इशू आ सकता है या आज मैं घबरा रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर वन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपको ये समझना है कि जो ये हम वैग्रा या इंस्टेंट या सिलडेनाफिल या इस तरह की टैबलेट्स लेते हैं ना, ये अपने साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लाती हैं, क्योंकि आप इसको अपनी बॉडी में लेके जा रहे हो तो एकदम से ब्लड फ्लो आपके लोअर एरिया में बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हेडेक हो सकता है, सुबह शायद ऐसी हैंगओवर वाली फीलिंग आ सकती है, शरीर में टूटने जैसी फीलिंग आ सकती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या हाथों पैरों में जिसे हम कहते हैं ना, मैं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल सुन्न हो जाता है या पसीना आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं व्याग्रा लेने के बाद। मोरओवर कभी कभी इसका लेने में कोई नुकसान नहीं है, बट अगर आप मेरे को प्रेफरेबल पोजिशन पर रखें तो मैं स्प्रे का इस्तेमाल ज़्यादा ऊपर रखूँगी। क्यों? क्योंकि ये स्प्रे एक तो सस्ते हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, साथ साथ इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको लेना पड़ता है या आपको नहीं समझ में आएगा कि यार मेरे को डेफिनेटली इसको यूज़ कैसे करना है। बहुत ईजली ईजी एप्लीकेशंस हैं, साथ साथ कोई साइड इफेक्ट लेकर नहीं आते हैं, आपके पार्टनर को कोई इफेक्ट नहीं देते हैं, अगली सुबह आपकी ख़राब नहीं हो जाती है। मोरओवर इसका कब यूज़ करना है कब नहीं करना है, क्योंकि टैबलेट ऐसी है जिसको आप छुपाते फिरोगे, आपको नहीं पता है कि यार कितने घंटे पहले खानी चाहिए। स्प्रेस यूजली 15 मिनट पहले स्प्रे करने होते हैं, मे बी जब वेन यू आर रेडी हो, योर पार्टनर इज़ रेडी, तो आप वॉशरूम में कि सिर्फ 15 मिनट पहले उसे स्प्रे कर लीजिए, उसके सूखने तक का इंतजार कीजिए और उसके बाद यू आर ऑल रेडी टू डू इट। और ये बॉटल्स ऐसी हैं जो आप अपने वॉशरूम में भी रख रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि स्पेशली किस यूज़ के लिए, बिल्कुल परफ्यूम बॉटल्स जैसी दिखती हैं। तो स्प्रे का इस्तेमाल ज़्यादा बेटर है ओवर पिल्स अगर मैं बोलूँ तो। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर आप पिल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये इरेक्शन टाइम कहीं ना कहीं आपका 24 आवर्स चला जाता है, लेकिन जब आप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो ये टाइम 1 या 2 शॉट्स तक हो सकता है। लेकिन बेसिकली आपको अपने साइड इफेक्ट्स को ऊपर रखना है। अगर आप 1 या 2 बार भी स्प्रे से कर रहे हैं तो दैट इज़ मच मोर बेटर रादर देन यूजिंग एनी टैबलेट जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली स्प्रे ज़्यादा नंबर लेता है एज़ कम्पेयर टू व्याग्रा या कोई इमरजेंसी टैबलेट। अब बात ये करी जाए कि मैम क्या दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट आपको अगर एक चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है तो आपको दो का इस्तेमाल क्यों करना है? कई लोग ये दोनों के इस्तेमाल के चक्कर में सारा ध्यान उनका टैबलेट, गोली या स्प्रे पर रह जाता है, और फिर जब परफॉर्म करना होता है या जहाँ सारा ध्यान आपको अपने पार्टनर या प्लेजर पे देना है, वहाँ पे आप मिस कर देते हो। हद से ज़्यादा औजार लेकर लड़ने जाओगे तो डेफिनेटली फेल हो जाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे काम किससे करना है। तो बेटर ये है कि किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करो जो आपको सेफ फील, रिलैक्स्ड कराए और फिर आपको हेल्प कर सके, ताकि आप अपने टाइम या इरेक्शन को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकें। शायद मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाई हूँ कि स्प्रे वर्सेस टैबलेट और बोथ ऑफ देम। अब आप बहुत वाइजली डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इसमें से क्या इस्तेमाल करना है। रादर हर कोई टैबलेट्स भी चल रही हैं और स्प्रे भी चल रहे हैं, लेकिन आपको अपने लिए राइट चूज करना होगा। सो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बहुत सी वीडियोस आपके डिसीजंस को, स्पेशली आपके बेड टाइम डिसीजंस को बेटर कर पाएं। मैं डॉक्टर नेहा मेहता और वीडियोस लाऊंगी हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो एंड श बॉयज़, इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करें अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोज़ में इंटरेस्ट रखते हैं।